ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एंड रिटायर्ड एसोसिएशन से संबंधित जालंधर मंडल की साधारण सभा की बैठक अखिल भारतीय अध्यक्ष एमएल गुप्ता की अध्यक्षता में केएल सहगल मेमोरियल हॉल जालंधर में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना के साथ हुआ। इस दौरान अमृतसर जोनल मैनेजर प्रवीण गोयल मुख्य अतिथि व सर्कल हेड जालंधर एचएस रंधावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस बैठक में वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मियों को पेश आने वाली कठिनाइयों के निवारण जानकारियां व विशेष मार्गदर्शन हेतु महासचिव शोखरन प्रसाद सिंह ऑल इंडिया परामर्शदाता के डी खेहरा विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष लखबीर सिंह व महासचिव के आर जैन ने मुख्य अतिथियों व विशिष्ट अतिथियों को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पेंशनर्स को पेश आने वाली कठिनाइयों से संबंधित विचार विमर्श भी किया गया। इस अवसर पर अशोक बजाज चंद्र खुराना बीबी धीर आर एल भगत जे के बेरी राजकुमार रतन आर के सेठ के एल कोंडल के आर जैन संजीव ओब्राय ओपी भगत महेंद्र पाल सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जब मुझे आप लोगों से मिलता हूं तो मुझे एक प्रसन्नता अलग टाइप से होती है और आप में जो रिटायरमेंट के बाद मैं ऊर्जा देख रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने साथी बैठे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई रिटायर हुआ होगा। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अभी साथी हैं, क्योंकि कई बार मैं मीटिंग करता हूँ, मान लो किसी सर्कल में जाके इतनी एनर्जी उनमें भी नहीं मिलती जो आप लोगों में एनर्जी। फ्रेंड्स, हम सबको रिटायरमेंट के जो बाद की लाइफ है उसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कई बार काम करते करते मान लो मेरे जैसा भी काम करते ये सोचता है यार रिटायरमेंट के अभी कितने दिन रह गए, 5 साल, तो मुझे ये लगता है कि रिटायरमेंट के बाद मजा आएगा। तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि काम हमने बहुत किया, 60 साल तक काम किया, उसके बाद अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी जो हॉबीज रह गई हैं उसको हमें पूरा करना है। जैसे उन्होंने अश्योरेंस दी है, हम उससे बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे और इस डाइस पे इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि ये जाके लेटर निकालेंगे और इस तरह की बातें हमारे लिए तो बहुत मायने रखती हैं कि किस लेवल का बंदा क्या कह रहा है। सो एक बार गोयल साहब के लिए फिर से तालियां, और हम विश करते हैं कि इनकी नेक्स्ट प्रमोशन एज चीफ जनरल मैनेजर हो जाए। एक बार दिल से दुआ कीजिए ये नेक्स्ट टाइम हमारे बीच आए तो एज चीफ जनरल मैनेजर आए। सर, हमारी बेस्ट विशेष। काफी लोगों की तारीफ भी की गई, जैन साहब की भी की गई, लेकिन जैन साहब को अगर कोई सक्सेस मिली है कोई ना कोई तो उनको सपोर्ट कर रहा होगा, वो है मिसेज जैन, उनका नाम ही नहीं लिया गया। अगर वो अपना हाथ खींच ले तो जैन साहब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अच्छा तो अच्छा होता कि उनका भी स्वागत किया जाता। चलो, आज की मीटिंग की 2-3 पिकुलरिटी अच्छी हुई हैं। एक तो लेडीज़ का प्रेजेंट होना और उन पर 2 वर्किंग कमेटी में मीटिंग में भी गए, और जैसे हमारे लीडर ने बताया कि रांची में सर्कल सेक्रेटरी जो है वो भी लेडी है।